दोस्तों आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें देखेंगे कि जो सीरीज कनेक्शन होते हैं उसमें कौन सा बल्ब है सबसे तेज जलेगा। तो देखिए उसके लिए हमें तीन होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें हम तीन बल्ब का यूज़ कर रहे हैं, एक 60 वाट, एक हमारा 100 वाट का, एक 200 वाट का। तो इसके लिए हमें तीन होल्डर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमने इसके कवर को निकाल लिया है और इसके हम अब सीरीज़ में इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो आपको सीरीज़ कनेक्शन तो पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो हमने सीरीज़ कनेक्शन का वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि सीरीज़ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो चलिए हम इसके सीरीज़ कनेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर चेक करेंगे कि जो बल्ब है कौन सा तेज जलेगा। तो देखिए हमने जो कनेक्शन है वो होल्डर के कनेक्शन सीरीज़ में कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सप्लाई देने के लिए न्यूट्रल फेस के जो वायर्स को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड हमें फेस को जो रेड वायर है उसको कनेक्ट कर लिया है और दूसरी साइड हम ब्लैक वायर जो जहाँ पर हमें न्यूट्रल देना होगा उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये जो वायर्स हैं दोनों कनेक्ट कर लिए हैं और हमें इन्हीं दोनों में सप्लाई देनी होगी। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जो बल्ब हैं उनको लगाना होगा हमें। तो देखिए सीरीज़ कनेक्शन जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, एक वायर में सप्लाई देंगे, वहाँ से दूसरे कनेक्टर से निकाल के उसके दूसरे होल्डर में, और फिर दूसरे होल्डर के दूसरे कनेक्टर से निकाल के तीसरे होल्डर में सप्लाई देंगे और लास्ट में यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई वहाँ से दे देंगे। तो अब हमें बल्ब लगाने होंगे। तो देखिए ये वाला जो बल्ब है वो 60 वाट का बल्ब है, तो हमें 60 वाट का बल्ब पहले होल्डर में लगा देंगे, फर्स्ट वाले होल्डर में। तो देखिए इसको अच्छे से लगा लेंगे और इसके बाद जो हमारा दूसरा बल्ब है वो है 100 वाट्स का, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये 100 वाट्स का बल्ब है हमारा। तो इसको हम बीच में लगा देंगे जिससे सीरीज़ में लगे रहे हमारे, यहाँ पर 60 वाट, यहाँ पर 100 वाट, और यहाँ पर जो है देखिए ये 200 वाट्स का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, इसको हम तीसरे वाले होल्डर में लगा देंगे। तो देखिए हमने तीनों जो हमारे बल्ब हैं उनको कनेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो वायर्स हैं इनमें न्यूट्रल फेस की सप्लाई को देना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कनेक्टर हैं यहाँ पर हमारी न्यूट्रल फेस सप्लाई आ रही है, तो हम इसको यहाँ पर न्यूट्रल फेस की सप्लाई को देंगे। तो हम जो दोनों वायर हैं हमारे रेड और ब्लैक वायर जो है उसको कनेक्ट करेंगे इस कनेक्टर से, जिससे हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ पर आएगी। तो देखिए इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्विच है उसको ऑन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे बल्ब है कौन सा इसमें सबसे तेज़ ग्लो हो रहा है, कौन सा सबसे तेज़ जलेगा बल्ब। तो चलिए अब हम इसके सप्लाई को ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा बल्ब सबसे तेज़ जलता है। तो देखिए जब हमने सप्लाई को ऑन किया है तो इसमें जो 60 वाट का जो बल्ब था वो सबसे तेज़ ग्लो हो रहा है, और इसके बाद जो हमारा 100 वाट का बल्ब है वो बिल्कुल थोड़ा सा ग्लो हो रहा है, जैसे उसके स्प्रिंग आपको लाल दिखाई दे रही है कि ये हाँ जल रहा है। लेकिन जो 200 वाट्स का जो बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, वहाँ तक वो बिल्कुल भी नहीं जल पा रहा है, उसकी स्प्रिंग भी दिखाई नहीं दे रही है कि यह जल भी रही है या नहीं जल रही है। तो इस प्रैक्टिकल को देख के हमारी एक बात तो समझ में आ गई है कि जो सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें जो सबसे कम वाट का जो बल्ब लगा होता है वही सबसे तेज़ जलेगा, जिसका जिस बल्ब का वाटेज कम होगा वही बल्ब तेज़ जलेगा। जैसे हमारा 60 वाट का बल्ब है सबसे कम है तो वही सबसे तेज़ जल रहा है, और जो 100 वाट का जो बल्ब है वो थोड़ा ज़्यादा है, उसका वाटेज ज़्यादा है तो वो कम जल रहा है, और 200 वाट का जो बल्ब है वो बहुत ही ज़्यादा है तो वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो यही होता है सीरीज़ कनेक्शन में, जो जिसका वाटेज कम होता है वही सबसे तेज़ जलता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस साइड जैसे फेस सप्लाई दी है और हमारा 60 वाट का बल्ब लगा है, तो हम क्या करते हैं ये जो 60 जो 200 वाट का है वो जहाँ पर 60 वाट का बल्ब लगा है वहाँ पर लगा के देखते हैं, शायद वहाँ पर फेस सप्लाई आ रही है तो शायद जल जाए वहाँ पर। तो एक बार ये प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है वो 200 वाट का बल्ब लगा दिया है, और जहाँ पर 200 वाट का बल्ब लगा था वहाँ पर हमने 60 वाट का बल्ब लगा दिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये लाइन को चालू करके देखते हैं, सप्लाई को चालू करके देखते हैं। तो देखिए जब हमने सप्लाई को चालू करके देखा तब भी जो हमारा 60 वाट का बल्ब है वही तेज़ जल रहा है, और जो 100 वाट का बल्ब है वो उससे कम जल रहा है, और जो 200 वाट का जो बल्ब है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें।